बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम अरमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक कैप्रिकॉर्न वालों का कैसा गुजरेगा, 25 जनवरी से लेके 31 जनवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक कैप्रिकॉर्न वालों का कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलों में बेहतरी है और किन मामलों में इन्होंने एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, वो अपने नाम के पहले हरूप से भी जान सकते हैं कि आप कैप्रिकॉर्न तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूप गाफ के जीम से शुरू होते हैं तो आप भी कैप्रिकॉर्न हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। कैप्रिकॉर्न वालों को इस वीक के अंदर बहुत सी जगह से एडवांटेज मिलता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए कि इस वीक में इनके जायचे में बहुत सी जगह पर बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन कुछ मामलों में इनकी एहतियात बनती है। मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि जिन लोगों की शादी नहीं हुई, जो लोग गैर शादीशुदा अफराद हैं, उनके लिए ये वीक में बहुत ही एक ख़ास मौका बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में एक आपका जो जीवन साथी है वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी ये वजह है कि वीनस अभी आपके फर्स्ट हाउस में है और इसने अगले वीक में आपके सेकंड हाउस में चले जाना है। यहाँ पर आपके लिए एक और बड़ी अच्छी बात होती हुई नज़र आ रही है कि आपके जो सेवंथ हाउस में जब मून आएगा वो आपके फाइव हाउस के साथ और आपके थर्ड हाउस के साथ एक अच्छी नज़र बनाएगा। ये अच्छी नज़र बनने की वजह से जिन कैप्रिकॉर्न वालों की पहले कोई रिलेशन ख़राब हो गए थे या अपने रिश्तेदारों से कोई नाराज़गी चल रही थी, दोस्त यारों के साथ या हमसायों के साथ कोई नाराज़गी चल रही थी, तो अब वो नाराज़गी दूर होती हुई नज़र आ रही है। अब उन मामलों में आपको बहुत हद तक बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। अभी भी ये मसला यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। अब आपके जो फुल मून होगा, जो आपके एट हाउस में होगा, एट हाउस में फुल मून होने की वजह से जो आपके प्रॉपर्टी के मामलों फंसे हुए थे या आप कोई शराकती तौर पर काम कर रहे थे और उधर से आपको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था, तो आपको अब उधर से बेनिफिट ज़रूर मिल पाएगा। चाहे वो बेनिफिट चाहे थोड़ा क्यों ना हो, लेकिन आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। इसलिए कि मून ने एक तो फुल मून आपके एट हाउस में होना है, उसके बाद थोड़ी बहुत बैड नज़र भी बननी है जो आपके सेकंड हाउस के साथ, लेकिन सेकंड हाउस में वो बैड नज़र इतनी को आपके लिए परेशान कुन नहीं हो सकती। इसलिए कि सेकेंड हाउस में सूरज है, यहाँ पर सूरज ने मुश्तरी के साथ एक अच्छी नज़र बनानी है। 29 जनवरी 2021 को एक अच्छी नज़र बननी है। ये 12 साल के बाद आपके सेकंड हाउस के अंदर ये अच्छी नज़र का फिर दर्जा अलहदा होगा। इस वक्त जो जिस दर्जे पर बनवाई है वो 9 डिग्री के ऊपर ये नज़र बनवाई है, सूरज और मुश्तरी की ये अच्छी नज़र बनवाई है। इस अच्छी नज़र बनने की वजह से आपके माली हालातों में बहुत ज़्यादा बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और आपके माली मामलों में बहुत हद तक बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और आपको बेनिफिट भी मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप काफ़ी देर से माली हालातों में परेशान हैं तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करते रहें, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी मिलती हुई भी नज़र आएगी। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैप्रिकॉर्न वालों को एक चीज़ की ज़रूर आगाही देना चाहूँगा कि 26 जनवरी 2021 को सूरज और यूरेनस ने एक बैड नज़र मुकम्मल करनी है। ये बैड नज़र मुकम्मल होने की वजह से जो लोग शादीशुदा अफराद हैं आगे से उनकी औलाद हैं तो वो अपनी औलाद की बड़ी केयर करें। जो लोग शोबिज़ इंडस्ट्री में है, फिल्म थिएटर वगैरह में है, तो उनको भी ज़रा एहतियात से काम करना है। लेकिन फिर भी उनका वीक मजमूई तौर पर ये बेहतर वीक है, इसमें कोई इतना कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। उसकी वजह यह भी है कि वीनस आपके फर्स्ट हाउस में है, वीनस के फर्स्ट हाउस में होने की वजह से आपके अल्लाह के फजलो करम से बहुत से मामलात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ ज़रूर बताऊंगा, जो लोग लिखत पढ़त का काम करते हैं, जो लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, वकील हैं, जज हैं या शायर हैं, उनके लिए ये वीक भी बेहतर वीक है, उनको भी इस वीक से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। इसलिए कि यहाँ पर वीनस ने नेपच्यून के साथ एक नज़र मुकम्मल कर ली थी पिछले वीक में, लेकिन अभी तक वो नज़र कायम है। उस नज़र के कायम रहने की वजह से ये लोग भी इस वीक के अंदर भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इस वीक के अंदर आपको करने का भरपूर मौका मिलेगा और वो सफ़र भी आपका कामयाब सफ़र होगा। सिर्फ और सिर्फ एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा, 30 जनवरी 2021 को मरकरी ने आपके सेकेंड हाउस में रिजत में चले जाना है। जब ये सेकेंड हाउस में रिजत में जाएगा तो उस वक्त
आपके थोड़े बहुत भारी अखराजात हो सकते हैं, जरा अपने हाथ को जरा टाइट रखिएगा, इस तरह बेपनाह दौलत को खर्च ना करिएगा, जाया ना करिएगा, वरना फिर आने वाले अगले चंद महीने फिर आपके लिए तंग साबित हो सकते हैं। हम सालों साल से परेशान है, उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं, पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती हैं वो करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनमई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खसूसी दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।